ना अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पल्स। फोर्स के बारे में हमें पता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो ये टर्म है इम्पल्स, ये भी हमारे फोर्स से ही रिलेटेड है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो फोर्स है शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए किसी बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है, किसी बॉडी पे एक्ट हो रहा है, वो ही क्या होता है, हमारा इम्पल्स होता है। या फिर अगर हम लोग कोई नॉन लीनियर सिस्टम ले रहे हैं या फिर नॉन लीनियर डायमेंशंस ले रही हैं, उस केसेस में अगर हमें इम्पल्स फाइंड आउट करना है तो वो इम्पल्स क्या हो जाता है, जो एवरेज फोर्स एक्ट कर रहा होगा किसी भी सिस्टम में टोटल टाइम पीरियड के लिए, वो उसका इम्पल्स हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिस्टम में हम लोग शॉर्ट टाइम पीरियड लेंगे, और एक यूनिफॉर्म सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम ले रहे हैं तो हम वहाँ पर क्या लेंगे, एवरेज फोर्स लेंगे। ठीक है, टोटल टाइम पीरियड में एवरेज फोर्स, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एवरेज फोर्स आ जाएगा हमारा दैट टाइम पीरियड के लिए, वो भी हमारा क्या होता है, इम्पल्स होता है। सो स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स, इट इज अ फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये एक ऐसा तरह का फोर्स है जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है शॉर्ट टाइम के लिए। किस केस की बात करें, अगर हम यूनिफॉर्म टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इम्पल्स की बात करें टर्म्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फिजिकल कंडीशंस और क्वांटिटीज, देन इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द टोटल टाइम। किसी सिस्टम का टोटल जो भी एवरेज फोर्स आने वाला है, और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा सिस्टम के, कि ये टोटल फोर्स किस टाइम पीरियड तक लग रहा है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितने में ये फोर्स लग रहा है, वो इसका इम्पल्स होगा। सो इम्पल्स इज इक्वल्स टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई में टाइम। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इम्पल्स की क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड, या फिर आप kg मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। सो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, m1 l1 t - 1। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे इम्पल्स का, फ्रॉम यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो हम प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लेते हैं कि उसकी वैल्यू वन पुट करते हैं तो एफ वेक्टर इसके इक्वल आता है डी पी वैक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। अब इस डी टी को अगर हम लोग अनदर साइड ले जाए, यहाँ डिवाइड में, यहाँ किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो एफ वैक्टर डॉट डी टी वैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, डी पी वैक्टर के। ये स्मॉल टाइम है, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में स्मॉल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज। एवरेज किसके लिए फाइंड आउट करना है, टोटल टाइम पीरियड के लिए। तो टोटल टाइम पीरियड निकालना है, अगर स्मॉल टाइम पीरियड नहीं निकालना है तो हम लोग क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम टू द फाइनल टाइम। फोर्स है इनटू में डीटी, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होना है, तो लिमिट्स भी टाइम की ही जाएंगी। लोअर लिमिट टाइम की जीरो होगी, अपर लिमिट टाइम की टी होगी। इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम क्या लेंगे, स्मॉल dp, स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम का इंटीग्रेशन लेंगे। इनिशियली मान लेंगे जब टाइम जीरो था हमारा लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा p1, जब टाइम t हो जाएगा फाइनल टाइम, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना मान लेंगे हम लोग, p2 वेक्टर मानेंगे। सो आफ्टर इंटीग्रेशन f तो कांस्टेंट है भाई, f तो हम सॉरी f टोटल टाइम जीरो से लेके t तक, ये जीरो से लेके t टाइम तक जो फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो टोटल क्या होगा, उसका एवरेज फोर्स होगा अगर नॉन लीनियर सिस्टम है। अगर लीनियर सिस्टम है तो फोर्स कांस्टेंट रहने वाला है, एफ ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल टाइम पीरियड जीरो से लेके टी तक टोटल मोमेंटम सिस्टम में कितना फोर्स लग रहा है, एवरेज फोर्स इनटू में टाइम। डीटी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, इसकी लिमिट जीरो टू टू। इसी तरह से डीपी का इंटीग्रेशन होगा पी, लिमिट्स आएगी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब लिमिट्स अगर हम पुट करेंगे टी माइनस जीरो किसके इक्वल आएगा, टी के। तो एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई में टाइम, पी की लिमिट्स पुट करेंगे तो फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स पी टू माइनस पी वन। सो यहाँ से हमारा जो इम्पल्स का फॉर्मूला है वो ड्राइव हो जाएगा। इम्पल्स क्या होता है, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई में टाइम, जो किसके इक्वल आ गया, पी टू वैक्टर माइनस पी वन वैक्टर। दैट इज द इम्पल्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई में टाइम और इक्वल्स टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब लीनियर मोमेंटम में चेंज क्यों आता है, ड्यू टू दिस एवरेज एक्सटर्नल फोर्स। ओके,